हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मेरे साथ होंडा की सीवी 200 एक्स एडवेंचर सेगमेंट की एक स्टार्टिंग सेगमेंट बाइक। आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो, लाइक एडवेंचर करना चाहते हो, सिटी राइड करना चाहते हो, या फिर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करते हो, उस हिसाब से आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे बाइक मिल जाएगी। और अगर आप लाइक एक यूट्यूबर हो और आपको एक कंटेंट बाइक चाहिए जिससे कि आप एडवेंचर भी कर सको और आपके डेली यूज में भी काम आए, तो आप इस बाइक को नो डाउट ले सकते हो। आपके लिए काफी काफी ज्यादा अफोर्डेबल ये बाइक हो सकती है और काफी ज्यादा बढ़िया ये बाइक साबित होगी। इस बाइक की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, सारे फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा और कितने प्राइस में ये गाड़ी मिलेगी वो सारी चीजें बताएंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सारी डिटेल्स के ऊपर बात। तो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहते हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ आपको एक फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप नजर आ जाएगा, हाई बीम लो बीम के साथ में, और काफी ज्यादा एग्रेसिव यहाँ ये फील आएगा। हाफ फेयरिंग में ये बाइक आपको नजर आएगी जो की काफी कंफर्ट और काफी अच्छी भी देखने के लिए मिलती है। बात करिए फ्रंट के सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे यूएसडी फोक्स, येलो कलर के यूएसडी फोक्स नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा जिसके साथ आपको ABS ऑफर करेगा होंडा। वहीं पर अगर टायर की मैं बात करूं तो 110/70 सेक्शन का 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में यहां पर आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा, और जो कि टायर अलॉय व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर नजर आ जाएगा। बात करिए थोड़ी सी साइड लुक और साइड डिजाइन की तो साइड में चलते हुए सबसे पहले जो होता है हमें शो वो यहाँ पर ये फ्यूल टैंक होगा। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर है, 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक नजर आ जाएगा। साथ ही साथ आप साइड की फेयरिंग देखोगे तो साइड की फेयरिंग में बहुत ही अच्छा और फिनिश क्लीन वर्क किया गया है जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया भी लगता है और काफी ज्यादा कंफर्ट एज राइडर भी हो जाता है। अगर आप राइडर हैं और इस बाइक को इजीली चलाना चाहते हैं तो काफी कंफर्ट हो जाएगा। यहाँ देखोगे यहाँ आपको होंडा और यहाँ 200 बैजिंग नजर आ जाएगी। बात करूं मैं इसके इंजन की तो यहाँ देखने को मिलता है आपको 184 cc सिंगल सिलेंडर 4-वोल्ट BS6 Phase 2 इंजन एयरकूल्ड होगा जो की जनरेट करेगा 17 PS की पावर एंड 15.9 Nm का टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको नजर आएगी। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ आपको नीचे की तरफ ये इंजन गार्ड भी नजर आ जाता है जो इंजन की लाइक सेफ्टी में बहुत ज्यादा काम आता है। लाइक आप कभी थोड़ा बहुत पहाड़ों में एडवेंचर वगैरह करने जाएंगे तो ये इजीली आपके इंजन को सेफ रखे। बात करिए साइड रियर पीछे की तरफ लुक की तो पीछे सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट साइज जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, और काफी ज्यादा बढ़िया है देखने में। बात करिए इसके टायर की तो यहाँ आपको रियर में 140 सेक्शन का एक ट्यूबलेस टायर नजर आ जाएगा 17 इंच का के साथ में, और रियर में भी आपको यहाँ डिस्क ऑफर करेगा। हालांकि यहाँ पर आपको ABS ऑफर नहीं करता है, ये गाड़ी आपको सिंगल चैनल ABS ही नजर आएगी। रियर में आपको 220 mm का डिस्क साइज नजर आ जाएगा। मोनोशॉक सस्पेंशन नजर आ जाता है रियर साइड में। बाकी बात करूं मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर थोड़ा सा कम रखा गया है, 167 mm यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस नजर आ जाता है जो कि काफी ठीक ठाक है। आपको इंडियन रोड के हिसाब से काफी कंफर्ट ग्राउंड क्लियरेंस नजर आ जाता है। अगर बात करी जाए इसके सीट हाइट की तो यहाँ पर आपको सीट हाइट जो है वो 810 mm सीट हाइट नजर आ जाती है जो कि शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी काफी कंफर्ट सीट हाइट है। अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो आपके लिए ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं बनेगी इस बाइक को चलाने में, इस बाइक को इजीली आप चला सकते हो। बात करिए इसकी टेल लाइट की तो टेल लाइट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक सिंबल में नजर आएगी जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया और स्पोर्टी फील दिलाती है। और यहाँ इंडिकेटर्स की अगर बात करिए तो इंडिकेटर फुल LED सेटअप के साथ में यहाँ इंडिकेटर नजर आ जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट बहुत बढ़िया वर्क है होंडा का, काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी यहाँ नजर आ जाती है। बात करिए इसकी सीट की तो यहाँ आपको देखने मिलती है स्प्लिट सीट जो कि मेन राइडर प्लेन राइडर दोनों को ही कंफर्ट बैठाने में काम आती है, मतलब कि दोनों ही काफी इजीली कंफर्ट बैठ सकते हैं। यहाँ आपको एक स्प्लिट ग्रैब हैंडल नजर आ जाता है जो कि प्लेन राइडर के लिए काफी ज्यादा कंफर्ट हो जाता है, अगर पीछे बैठे तो इजीली इससे ग्रैब हैंडल को पकड़ सकता है। और क्वालिटी में तो नो डाउट कहीं भी फर्क नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी नजर आ जाती है। बात करिए इसके ऊपर से लुक को, ऊपर से डिजाइन की तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक बल्कि और काफी ज्यादा हैवियर फील आएगा इसको देखने में। थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा हैंडल बार, सिंगल पाइप हैंडल बार यहाँ नजर आ जाएगा। हैंडल बार के ऊपर आपको नॉर्मल स्विचेस नजर आ, जैसे कि यहाँ हाई बीम लो बीम और पासिंग लाइट, और यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर देन हॉर्न नजर आ जाता है। हॉर्न क्वालिटी मिंट क्लीन है, काफी अच्छी है, इसके हिसाब से बहुत बढ़िया हॉर्न क्वालिटी है। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ आपको इंजन क्यूल स्विच, यहाँ ये पार्किंग लाइट यानी कि हैजार्ड स्विच नजर आ जाता है, उसके बाद यहाँ सेल्फ नजर आ जाता है। अभी इसके साउंड को हम थोड़ा सा साउंड करके दिखाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे आपको साउंड सुना के दिखाएंगे इस गाड़ी का। सिंगल टच में ये स्टार्ट हो जाती है, तो चलिए अभी हम इसका साउंड सुनाते हैं। Yeah.
साउंड काफी अच्छा है, इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है, बट एक फील जो है साउंड को थोड़ा सा रब करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील आएगा इसके साउंड में, क्योंकि तो काफी ज्यादा प्यारा साउंड होता है। कई बाइक्स क्या होती हैं, स्टार्टिंग में आपको थंब तो बहुत अच्छा देती है, बट रब करने के बाद ना बहुत पतली तरीके से साउंड फटता है और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। बट इस बाइक में ऐसा नहीं है, जब आप रब कर रहे हो ना तो साउंड बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा अच्छा थंब निकल के आ रहा है। बात करी जाए इसके मीटर की, तो यहाँ आपको एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको बेसिक सी सारी डिटेल्स नजर आ जाएंगी, लाइक सारे ब्लिंकर्स। नीचे देखोगे आपको साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है, और यहाँ ABS ब्लिंकर और इंजन लाइट ब्लिंकर नजर आ जाएगा, साथ ही साथ दोनों तरफ इंडिकेटर्स। और यहाँ अंदर की तरफ आपको RPM मीटर, यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ ट्रिप वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ वॉच टाइम और फ्यूल ऑप्शन और गियर ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि बेसिक सी जो नीड डिटेल्स होती हैं वो इस बाइक के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अभी मैं अपने हिसाब से इस बाइक पे बैठ कर दिखाता हूँ, और मेरी हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है, उस हिसाब से इस बाइक पे बैठने पे मुझे कैसा फील आएगा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आप भी शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है ये वीडियो देखकर। बाकी इसकी जो सीट हाइट है 810 mm है, और चलिए मैं इस पे बैठ के दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कि ऊपर का पोस्चर है वो मेरा बिल्कुल ओके है, मतलब कि काफी ज्यादा अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, काफी कंफर्ट है। वही पैर अगर देखोगे तो पैर मेरे पंजे आ रहे हैं, एडी मेरी ऑब्वियस सी बात है ऊपर है, 810 mm पे मेरी एडी तो ऊपर रहेंगी रहेंगी। और कभी कभी क्या होता है, राइडिंग एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो अगर आप राइडर अच्छे वाले राइडर हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई बार क्या होता है, थोड़ा हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ ऐसी चीज नहीं है, काफी अच्छा पोस्चर है चलाने में। बाकी आप इस बाइक को परचेज करके लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, सिटी राइड भी कर सकते हो, और लॉन्ग हाईवे राइड भी कर सकते हो। आपके लिए ये बाइक काफी ज्यादा कंफर्ट हो सकती है अगर आप इस बाइक को परचेज कर, लाइक अगर कभी आप एडवेंचर करना चाहते हो और सिटी राइड ऑफिस में भी यूज करना चाहते हो, तो ये आपकी काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। आप इस बाइक को लेके काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि इस बाइक में आपको बेसिक सी सारी डिटेल्स मिल जाती है। अभी आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पे। प्राइस जो है इसका, वो है इसका यहाँ पर आपको एक्स शोरूम 1,47,000 नजर आएगा, जो कि काफी अच्छा प्राइस है और काफी अफोर्डेबल प्राइस है। इस प्राइस रेंज में आपको काफी अच्छी आपको यहाँ पर एडवेंचर बाइक मिल जाएगी, जिसको आप अपने ऑफिस यूज में भी ला सकते हैं। तो और आपको इससे रिलेटेड किसी तरीके की और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। बाकी का आपको कैसी लगी ये होंडा की CV200X, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियोस, और इससे रिलेटेड अगर आप फाइनेंस वीडियो भी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं।